हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया सा हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 का 6 से लेकर 9 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा हमारा 11 का 6। इफ़ वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इन बस रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, देन प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है -1/2 के बराबर है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पता ही है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, और इसमें क्लास 12 का एक्सरसाइज 4 के सीखना जहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसके फॉर्मूला का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम लोग छोटा रूप कर लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ भी अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा सा सवाल बन जाएगा। इसको साइन स्क्वायर दिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो चैन रूल से अगर डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम सोचे कि इसको छोटा बनाया जाए, और छोटा बनाने के लिए यहाँ कोई ना कोई तुमको वो चीज़ दिख जाएगा जिससे इसको छोटा बनाया जा सकता है। जैसे इसमें छोटा बनाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि a प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स वाला जब फॉर्म रहता था तो हम बताए हुए थे कि हमें पुट क्या करना है, x के स्थान पर a cos 2 थीटा पुट करना होता है या फिर x इक्वल टू a cos थीटा पुट करना होता है। तो यही पुट करते हैं हम लोग। यहाँ a के स्थान पर 1 है तो पुट करेंगे हम लोग, इधर लिखते हैं इवन हमारे पास जो दिया गया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करते हैं, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, इसको भी पुट कर सकते हैं, तब हो जाएगा y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, और फिर कॉट स्क्वायर थीटा है, रूट हटेगा तो कॉट थीटा बाहर आएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पर, वाई इक्वल टू तब यहां पर बन गया साइन स्क्वायर, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग थीटा का वैल्यू रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसके डिफरेंशिएशन को और भी आसान बनाया जा सकता है। वो कैसे, हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो इसको ब्रेक करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल, फिर से हमें क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसको अलग अलग डिवाइड भी कर दो, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा। अब देखो कितना सिंपल हो चुका है, y इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस 2 इंटू थीटा के जहां पर वैल्यू बैठाना होगा, तो थीटा का वैल्यू कहां से निकलेगा, यहां थोड़ा इसका कलर चेंज करके लिखते हैं। पहले निकलेगा 2 थीटा का वैल्यू, और 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ट्रांसफर इधर होगा, और तब जाके थीटा हमारा कितना आएगा, 2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स।
y इक्वल टू 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू, यहाँ पे तो थीटा के स्थान पर 1 बाई टू कॉस इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई टू कॉस कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू कॉस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और हमारा और भी यहाँ पर सिंपल हो चुका है, ये आपका x के फॉर्म में भी आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले 1 बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर माइनस 1 बाई टू कॉन्स्टेंट था तो इसका जीरो हो जाएगा, और इसमें कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल है तो माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर और वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, और माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू। देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू के बराबर हो गया, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना। इसका अगला सवाल देखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस वन बाई एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इस सवाल को भी अगर हम चैन रूल से डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें तो सोचो इतना लंबा सा सवाल है, कितना दूर तक चला जाएगा बनाते बनाते, बहुत दिक्कत हो जाएगा और आंसर भी हम लोग मिलाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं इसमें, इसको छोटा बनाने का कोशिश करते हैं, और छोटा बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या क्लू दिया गया है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तब पुट हम लोग क्या करते हैं, x के स्थान पर a tan थीटा पुट करते हैं या फिर a cot थीटा पुट करते हैं, यहाँ a स्क्वायर के यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो केवल पुट क्या करना पड़ेगा हमें, tan थीटा। तो गिवेन हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन इनवर्स, यहां भी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई टेन थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर हटेगा, रूट भी हटेगा, 1 बाई सेक थीटा मिलेगा प्लस टेन इनवर्स स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा है। छोटा तो अभी हुआ नहीं, लेकिन छोटा करने का उपाय है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में करना होगा, अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन इनवर्स के फॉर्म में करना होगा, तब जाके प्रॉपर्टी लग जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला। कोशिश करते हैं ऐसा ही बनाने का, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स, इसको चेंजिंग कर देते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख देते हैं माइनस 1 बाई 1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स है अभी रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम आएगा, आएगा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ हो गया
और डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपका कॉस से कॉस कैंसल हुआ, वाई इक्वल टू देखो बाहर है साइन इनवर्स, तो साइन एक्स बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसा लिख दिए, और प्लस में टेन इनवर्स, यहाँ पर बच गया वन माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स पाई बाई टू माइनस, यहाँ मिला हमें प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर है लेकिन अंदर टेन इनवर्स का फॉर्म नहीं आया है, एक फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा वन माइनस कॉस थीटा का, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाफ एंगल में चला जाएगा ना, अगर टू थीटा रहता था यहाँ पे वन माइनस कॉस टू थीटा तब फॉर्मूला होता था टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा है हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसल, ये स्क्वायर से साइन कैंसल, वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू आपका हो जाएगा टेन थीटा। अब जाके यहां भी फॉर्मूला बना है टेन इनवर्स टेन एक्स का, वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा और टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है पाई बाई टू थीटा बाई टू लिखा, वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस थीटा बाई टू, पूरा थीटा माइनस में है और आधा थीटा प्लस में है तो आधा थीटा हमारा माइनस में बच जाएगा, घटा दिए। अब हम लोग ऊपर में शुरुआत में जब सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे उसमें पुट किए थे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसीलिए हमारा ये थीटा के फॉर्म में हो गया, जबकि सवाल एक्स के फॉर्म में था, डिफ्रेंसिएशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वहां से थीटा का वैल्यू आप लोग निकालिएगा तो थीटा किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स एक्स के। अरे भाई ऊपर में हम लोग पुट नहीं किए हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के। आप लोग वहां ऊपर में लिख लीजिएगा इस बात को, वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन बाई टू, थीटा के जगह पर हो गया टेन इनवर्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस वन बाई टू डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट हो गया जीरो और माइनस वन बाई टू इंटू टेन इनवर्स का वन बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का पावर 4 बाई थ्री माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के पावर 2 बाई थ्री, जहां से कुछ कंडीशन है x 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या बराबर है, देन सो डैट dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसके बराबर होगा। तो ये सवाल भी बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने का कोशिश करें तो कॉस इनवर्स एंगल का एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर हम लोग चैन रूल लगाएंगे, समस्या है, ऐसा होता नहीं है, इतना बड़ा हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जरूर है, उस चीज को हमें ढूंढना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा दिमाग में। देखो कॉस इनवर्स एक्स वाला में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे वहां एक फॉर्मूला लिखे हुए थे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है कुछ इसी टाइप का सवाल में बनाने का संभावना हमारे पास लग रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स में ही है और यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा सेट हो सकता है, चलो सेट करके देखते हैं। अच्छा एक्स के पावर जो फोर बाई थ्री है, एक्स के पावर फोर बाई थ्री हम इसको ब्रेक करके लिखें, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स के पावर वन बाई थ्री,
देखो इसका पावर वन कर दें और इसका पावर वन बाई थ्री अलग अलग लिखें, क्योंकि तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, और इसको वन प्लस वन बाई थ्री कीजिएगा तो वापस आपको कितना मिल जाएगा, फोर बाई थ्री। अगर वन प्लस वन बाई थ्री कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, एक्स के पावर फोर बाई थ्री। तो इस एक्स के पावर फोर बाई थ्री को हम लोग लिख देंगे एक्स इंटू एक्स के पावर वन बाई थ्री, फिर माइनस है और रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स के पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं क्या इस तरह से, देखो तब हमारा x के पावर 2 बाई थ्री भी मिल जाएगा इसको स्क्वायर करेंगे तो। और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, है ना मजेदार। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, चलो इसको अब फ्रेश करके बनाते हैं। इवन y इक्वल टू cos इनवर्स x के पावर 4 बाई थ्री माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स के पावर टू बाई, ये चीज हमारे पास दिया गया। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के पावर फोर बाई थ्री को लिखें एक्स इंटू एक्स के पावर वन बाई थ्री, और माइनस इसको अलग अलग रूट कर देते हैं वन माइनस एक्स और इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स के पावर वन बाई थ्री का होल स्क्वायर। देखो वही चीज है, लिखने का तरीका चेंज कर दिए, दोनों रूट में ही था अलग अलग रूट में लिख दिए। अब ये फॉर्मूला बना कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स के जहाँ पर एक्स है और वाई के जहाँ पर कौन काम कर रहा है, एक्स के पावर वन बाई थ्री, हम इसे लिखेंगे वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाई एक्स के पावर वन बाई एक्स के पावर वन बाई थ्री। अब ये पूरा नॉर्मल फॉर्म में आ चुका, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी कॉस इनवर्स x के पावर 1 बाई थ्री। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल यहाँ पर कितना है x के पावर 1 बाई थ्री, ये चैन रूल में ब्रेक हुआ, फिर डी एक्स के पावर 1 बाई थ्री ऊपर लिखे गए तब जाके डी एक्स का रिस्पेक्ट में, तो इसको चैन रूल में ब्रेक करना पड़ा। अब cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स। यहाँ फिर से cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x के यहाँ पर x के पावर 1 बाई थ्री है, माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स के पावर 1 बाई थ्री का होल स्क्वायर हो जाए, इंटू x का पावर 1 बाई थ्री है xn वाला फॉर्मूला से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स के पावर टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री एक्स के पावर, यहाँ हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस वन को घटाइए ग्राफ में आपको मिल जाएगा माइनस टू बाई थ्री। अब इसके जैसा हमें सेट करके लिख देना है कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकला है अभी माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, फिर माइनस वन बाई ऊपर वन बाई, देखो एक्स के पावर माइनस टू बाई थ्री है, अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो इसका पावर प्लस में बदल जाएगा, थ्री इंटू एक्स के पावर टू बाई थ्री क्योंकि यहाँ पर था, और रूट अंडर वन माइनस एक्स के पावर टू बाई थ्री, यही हमें प्रूफ करके आना था। देख लीजिए सवाल कितना आसान निकला और देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल पे आते हैं, और ये आखिरी सवाल में दिया गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स If y equal to sin inverse 6x minus 4 root under 1 minus 4x square by 5, इसको भी inverse trigonometric function का एक फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफ्रेंसिएशन को आसान बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो गिवेन दिया गया है y equal to sin inverse 6x minus 4 root under 1 minus 4x और डिवाइडेड बाई 5,
y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x/5 और -4/5 इंटू रूट अंडर 1 -4x। अलग अलग डिवाइड करके हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इस 5 को अलग अलग डिवाइड कर। और यहां पर हम लोग काम क्या कर रहे हैं देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x को हम लोग लिख सकते हैं 2x into 3/5 ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए 3 × 6x / 5 उतना ही है, बस लिखने का अंदाज हम लोग बदल दिए, फायदा है इसीलिए बदल रहे हैं वरना जरूरत नहीं था। -4/5 × √ इसको लिख सकते हैं 1 − 4x² को लिख सकते हैं 2x² हो जाएगा 4x² वही चीज है। y इक्वल टू साइन इनवर्स √2x × √1 − 4/5² कर दिया। अब बोलेगा ये क्या कर दिया, दरअसल इस 2x को 2x के स्थान पर ही रहने दिए और 3/5 को हम इसके जैसा लिख सकते हैं। देखना इसको रूट से निकाल के हम बताते हैं, 1/1 ही है और माइनस में 4 × 16/25 रूट में इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 25 और फिर 25 − 16 √9/25 रूट से बाहर निकालिएगा 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा, 3/5 भी आया। इसका मतलब इस 3/5 को हम इसके जैसा लिख सकते हैं। बोलेगा क्यों लिखेंगे, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा ऐसा लिखने का, वो अभी पता चलेगा क्या कारण था, लेकिन हम यहाँ जो लिखें वो बस सही चीज़ लिखा गया है, इसी चीज़ को बदल करके लिखा गया है। -4/5 और √1 − 2x². अब यहाँ पर आप देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ तो। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x√1 − y² + y√1 − x². ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। क्या वही फॉर्मूला यहाँ पर सेट नहीं दिख रहा है, साइन इनवर्स x√1 − y² और −y√1 − x² अगर हम इस प्लस के स्थान पर चेंज करके माइनस कर दें तो बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला किसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x√1 − y² − y√1 − x², जहाँ पर x के स्थान पर 2x है और y के स्थान पर 4/5 है। ये फॉर्मूला किसका हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और माइनस में साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला सेट हुआ। अब ये पूरा नॉर्मल फॉर्म में हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx इक्वल डी साइन इनवर्स 2x किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा 2x के रिस्पेक्ट में, जनरल में ब्रेक कर रहे हैं इसको, और फिर d2x/dx माइनस डी साइन इनवर्स 4/5। इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट माना जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हुआ, इसमें कोई चेन रूल लगाने का जरूरत नहीं है। बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 − x² 1 − 2x² (2dx/dx) और माइनस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका वैल्यू हो गया 1, तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे 2/√1 − इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.2 हमारा आज समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में 11.3 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।